हेलो दोस्तों, मैं हर्षा गुंडला हर्षवर्धक का की ओर से आपके सामने कुछ नई दवाई के प्रोडक्ट लेकर आना मुझे एक अलग ही एहसास दिलाता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, इंसान का दिमाग ही सब कुछ होता है। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो भी कुछ वो सोचता है वैसा ही वो बनता है। इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। इंसान की खान पान जो है वो अपने दिमाग से ही की जाती है। जब उसका दिमाग चाहता है कि मुझे इडली डोसा खाना है, मुझे पानी पूरी खानी है, तो इंसान उसी प्रकार आगे बढ़ के उन चीजों को एंजॉय करता है। पर ये दिमाग चीज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, अपना दिमाग एक विचार शक्ति जो रखता है और वो अपने दिमाग में कितना स्टोर कर सकता है कोई भी नॉलेज ज्ञान वगैरह। कभी आपने सोचा है कि आपने अपने दिमाग में पढ़ते समय हिस्ट्री का नॉलेज डाला, सिविक्स का डाला, मैथ्स का डाला, ड्राइंग का डाला, पेंटिंग का डाला, साइंस का डाला, इतना डालने के बाद दिमाग ने कह दिया कि अभी मैं ज्यादा नहीं ले सकता? हरगिज नहीं। आप कॉलेज में गए, कॉलेज के सब्जेक्ट किए, वो भी आपने नॉलेज उसमें दिमाग में डाला, वो भी उसने ले लिया। यह दिखाता है कि आपका दिमाग कितना भी नॉलेज उसमें डालो, उसकी कैपेसिटी बढ़ते ही जाती है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई स्केल नहीं है, उसका कोई क्विंटल किलोग्राम में नाप नहीं है, न सेंटीमीटर, न स्क्वायर मीटर, न किलोग्राम, नथिंग लाइक दैट। इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल। कुछ लोग आप देखते होंगे कि डॉक्टर भी बन जाते हैं और कुछ लोग क्यों भी रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर के दिमाग की डेवलपमेंट और क्यून के दिमाग की डेवलपमेंट अपने अपने तरीके से की गई है। तो मेरा कहना यह है कि इस प्रोडक्ट को हमने बनाने के लिए कौन से ब्रेन बूस्ट 999 इसलिए हमने सोचा कि मार्केट में ऐसी कोई खास और स्पेशल दवा हमने नहीं देखी कि जो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करे, मजबूत करे, अंदर अच्छे से भरे और याद रखे। तो हमारे दिमाग में एक बात आई
आप हमें देखते होंगे कि हम काफी सीनियर हैं, तो कुछ समय के बाद हम और सीनियर हो जाएंगे, तो हमें ऐसी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। और आज तक मैंने वही मेडिसिन्स बनाई घर पे, जिसकी जिसकी मुझे जरूरत पड़ती गई। बाद में कुछ लोगों ने हमसे अपनी जरूरत के हिसाब से भी मेडिसिन्स मांगी, हमने उनको दी और वो बहुत अच्छी फुलवार हुई। तो इस ब्रेन बूस्ट को बनाने का हमने इसलिए सोचा कि हमारी जरूरत पड़ सकती है। कुछ अरसे के बाद इंसान जिस प्रकार कमजोर पड़ जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उसी प्रकार यह दिमाग भी कमजोर पड़ने लगता है। बहुत बार आपने अपने घर में नाना नानी दादा दादी इवन मम्मी डैडी को कहा होगा, आप सब भूल जाते हैं, अभी आपको कुछ याद नहीं रहता, पर आप वहीं पर क्यों रुक जाते हो? आगे बढ़िए, आपके बुजुर्गों की याददाश्त को आप ताजी रख सकते हो, उनको ताजा रखने के लिए आपने बहुत जगह सुना होगा कि बादाम एक ड्राई फ्रूट का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सारे लोगों को एडवाइस यही दी जाती है कि आप बादाम खाइए, पर मेरे ख्याल से और मैंने खा के देखी उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ बादाम से आपका दिमाग जो कमजोर हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आपने एक और जड़ी बूटी का नाम सुना है बच्चों को देने के लिए, शंख पुष्पी सिरप। तो बादाम और शंख पुष्पी सिरप, ये दो चीजों से मेरे ख्याल से दिमाग की याददाश्त जो है इतनी तगड़ी नहीं रह सकती। तो मेरा सुझाव है कि यदि आप अपने दिमाग की याददाश्त को मजबूत रखना चाहते हो, ताजी रखना चाहते हो, तो आपको लेना है शंख पुष्पी, जटामासी, आंवला, ब्राह्मी, तुलसी पाउडर। इन सारी चीजों का एक मिक्सचर तैयार कीजिए, आप इक्वल प्रपोर्शन में भी ले सकते हो और उसमें शहद मिलाइए, और दिन में सिर्फ 3 बार नहीं, आप हर 2 घंटे में ले सकते हो एक पर्टिकुलर मात्रा, तो उससे आपकी याददाश्त में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। साथ साथ आपको खाने में क्या खाना है, ये बात हो गई होम मेड मेडिसिन की, ब्रेन बूस्ट 999 एज पर माय ओपिनियन। खाने में आपको खाना है बादाम, अखरोट, खसखस, खोपरा, दालचीनी, उसके अलावा सूर्यमुखी, पंपकिन, कलिंगर, इनके बीज, तिल, ये
इन सारी चीजों का खाने में बहुत अच्छे से सेवन कीजिए। यह आपके दिमाग को बहुत तगड़ा रख सकता है, बहुत मजबूत और ताजा ताजा। तो दोस्तों, यदि आपकी ब्रेन बूस्ट 999 के अलावा भी किसी भी मेडिसिन की जरूरत हो, जिसे हम यानी कि मैं इन हाथों से बनाती हूँ, इसमें ना ही केमिकल्स होते हैं ना ही प्रिजर्वेटिव होते हैं, और ये प्योर वेज है और घर पे बनाई जाती है। आप सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो। मेरी मेडिसिन किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको नहीं मिलेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मैं आपको कुरियर करके भेज सकती हूँ। और इसके लिए आपको मेरा कांटेक्ट करना है फेसबुक पे मैसेज बॉक्स में। यहाँ मैं आपको हमारा टेलीफोन नंबर नहीं दे रही हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अच्छे से अच्छी जानकारी और अच्छे से अच्छी मेडिसिन के लिए सिर्फ हर्षवर्धिका का कांटेक्ट करें।